दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम में सीधे अप्लाई किए जा सकते हो और आपको चुटकी बजा करके 2 से 3 सेकंड में आपको एक नंबर दिला सकता है। और इसी तरीके से करते हुए इस वीडियो में जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, जो ट्रिक बताए जाएंगे, उससे अलग अलग एग्जाम में एक एक नंबर का हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो आज के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसे सॉल्व करना है। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स बहुत तगड़ा है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व सही कर लेते हैं तो वाकई आपका मैथ्स बहुत तगड़ा है, आप बहुत सही दिशा में काम किए हुए हो। देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका कर पाते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगा और कैसे निकालना है वो भी बता दूंगा। बिल्कुल आसान है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो गाइज, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपको एग्जैक्ट वे जानना है जिससे आपके एग्जाम का पेपर आपके लिए आसान हो सके, बिल्कुल ईजी हो सके, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए ताकि सारी वीडियोज आप तक पहुंचे एग्जैक्टली टाइम पर। तो चलिए ट्रिक 1 देखते हैं। पहले इस ट्रिक पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। आपको प्रीवियस ईयर के सेट निकाल के देखेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाएगा। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा आप फिर इस पूरे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे आपको टाइप बता दिया हूँ, रूट अंडर एक्स होगा, फिर उसके अंदर रूट अंडर एक्स, फिर उसके अंदर रूट अंडर एक्स, फिर उसके अंदर भी रूट अंडर एक्स, डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा एक्स। जो भी आपको रूट के अंदर में दिया हुआ चीज उसी को आप सीधे आंसर लिख दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर सीधे 5 हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है, दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर सीधे 5 हो जाएगा। एक नंबर 1 सेकंड में आपको मिल गया, कोई ज्यादा समय नहीं लगा, कोई फालतू का समय नहीं लगा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को देख के सोचते ही रह जाते कि करे क्या, इसको करना क्या है, स्क्वायर करे, रूट करे, क्या करे इसका जो आंसर निकले। आप सोचते रहेंगे, आपका आंसर नहीं निकलेगा, निश्चित नहीं निकलेगा, कोई तरीका लगा लो आपका आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस ट्रिक का आपको पता होगा तो सीधे 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। चलिए अब दूसरा ट्रिक देखते हैं। उसी पहले ट्रिक को थोड़ा सा और जटिल कर दिया गया है। यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिमाग लगाते रह जाइएगा, नहीं बनेगा। रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इस तरीके से दिया हो तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पिछले ट्रिक की तरह है, पिछले ट्रिक में क्या था, ये था, यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स। लेकिन क्या था, यहाँ पे इन्फिनिटी तक ये रूट अंडर एक्स चलते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी तक नहीं है, ये लिमिटेड है। आपको ये रूट अंडर एक्स कितनी बार है, 4 ही बार है, या फिर आपको एन टर्म्स तक ये दिया रहेगा, मतलब कितना टर्म है वो आप गिन सकते हो, इन्फिनिटी तक ये टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू टू टू दी पावर एन माइनस वन बाई टू टू दी पावर एन, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सीधे n मतलब क्या हो गया, कितना टर्म तक है, तो आप गिन लेंगे n यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 है, तो n का वैल्यू आप 4 लिख दीजिए। x क्या है, जो x आपको यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा, तो इस यहाँ पे कितना बार n है, n कितना टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बार है, और x कितना है, तो x आपका 2 है, तो आपको क्या लिख देना है, सीधे 2 लिख देना है। आपको इसके ऊपर में पावर क्या डाल देना है, 2 टू दी पावर n, तो n क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ पे n के जगह 5 लिख दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, और यहाँ पे उसके नीचे क्या है, 2 टू दी पावर n था, तो 2 टू दी पावर 5, इसका सीधे आप आंसर निकालिएगा। 2 टू दी पावर 5 क्या होता है, 2 टू दी पावर 5 होता है 32, 2 को 5 बार गुना करना है आपको, तो यहाँ पे 32 - 1/32 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 31/32, ये आपका सीधे आंसर हो जाएगा। इतना आसान था, अगर आपको इसका ट्रिक नहीं पता होगा आपसे बनेगा ही नहीं। तो ये ट्रिक बहुत जरूरी है और इससे क्वेश्चन पूछता है, और इसी तरीके के और वीडियोस में आपको देने वाला हूँ। रेगुलर रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। और आपको जो भी जटिल चैप्टर्स हैं, जो भी चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा भास्ट होते हैं, उन चैप्टर्स में भी ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको सीधे मुफ्त के नंबर दिला सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। टाइम एंड वर्क के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप चुटकी बजा के कर सकते, परसेंटेज के ऐसे बहुत
सारे क्वेश्चन है जिसको चुटकी बजा के कर सकते हो। आप सोचो, परसेंटेज अगर आपका अच्छा है तो बाकी बहुत सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। प्रॉफिट लॉस, SI, CI, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब में काम आ जाएगा आपका परसेंटेज। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको दूंगा जो कि आपको आसानी से आपको मार्क्स गेन करा सकता है। देखिए, बहुत भारी नहीं बना के रखना है चीजों को। तो चलिए तीसरा ट्रिक देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो इसमें बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर भटकाइए मत, यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, यहाँ पे अलग कलर से दिखा दिया हूँ ताकि आपको सहूलियत हो। मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाए, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स अप टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या करना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको क्या करना है, एक्स जो है, ये आपका एक्स जो दिया रहेगा उसका ऐसा फैक्टर निकालना है जो कि कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव मतलब क्या? लगातार संख्या हो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए, आपको क्या करना है, 12 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो कि लगातार हो। तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4, और 3 और 4 क्या लगातार संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव संख्या है। तो बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव संख्या है और लगातार संख्या है। बस इतना ही आपको करना है, मन में सोचना है, दिमाग में सोचना है, आपका आंसर सीधे निकल के आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा जो भी बड़ा संख्या निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर 4 हो जाएगा। आपको जब पता चलेगा, अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल कुल आपको ट्रिक से ही बनाना है, उसको सिर्फ ट्रिक के अलावा और किसी चीज से बनाने जाइएगा, समय बर्बाद, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, फॉर्म का और साल भी बर्बाद। तो वैसे ट्रिक भी देखेंगे, अलजेब्रा के ट्रिक देखेंगे और पार्ट वाइज देखेंगे। बिल्कुल पहले सिरे से शुरू करके अंतिम पार्ट तक देखेंगे, अलजेब्रा का कोई भी चीज नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अब एक और ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रिक 5 दिया हुआ है। इस ट्रिक में क्या है, आपको वही चीज है बस माइनस करके यहाँ पे दिया हुआ। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो कैसे चीजें करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल करके आएगा? देखिए, इसका आंसर आपको क्या निकलना है, रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स, यहाँ पे माइनस करके चीजें हैं, ठीक है। इसमें भी आपको वही चीज करना है, आपको जो x दिया हुआ है उसका फैक्टर निकालना है। आपको फैक्टर निकालना है और फैक्टर जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए, लगातार संख्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 42 है। 42 का लगातार संख्या क्या हो सकता है, 7 और 6। 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 6 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 के बाद 7 आता है, बिल्कुल आता है। तो अब इसमें से आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या? बिल्कुल नहीं, बड़ी संख्या इसमें आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। पिछले टाइप में अगर प्लस दिया था तो प्लस जब रहेगा तो बड़ी संख्या लिखेंगे, और जब माइनस करके दिया रहेगा तो क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। तो छोटी संख्या क्या है, 6 है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 6। कोई दिक्कत कहीं पे भी बिल्कुल नहीं। अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर कीजिए, लाइक में कंजूसी मत कीजिए। जितना लाइक करते हैं उतना मनोबल बढ़ता है, उतना मजा आता है और भी ऐसे वीडियोस लाने में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन आपको शुरू में दिए हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होगा। कॉमन सेंस यूज कीजिए, पटाक से आंसर आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर 2 × ₹3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 × ₹3 × ₹4 × ₹3 × ₹4। इसी तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जब दिया रहे तो इसका क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर रहे हो आप, ये इसका भी आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट कट जाएगा इस 2 से। क्यों कट जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर में 2 है और इसी ये रूट के अंदर में ये सारा चीज हो रहा है, ये सारा का सारा फंक्शन इस रूट के अंदर में हो रहा है। तो ये सिर्फ रूट कटेगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, आपका सिर्फ रूट कटेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × ₹3 ये फिर आपका जस का तस, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, ये कुछ इस तरीके से आपका इन्फिनिटी तक चला गया। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट को अब आपको हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि आपको चीजों को सिंप्लीफाई कर देना है। अब आपको पता चलेगा क्यों हटाया जा रहा है। यहाँ पे अब आपको क्या कर देना है, क्यूब रूट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब जाकर के ये आपका ये भी कट जाएगा। तब आपका क्या होगा, आपका 1 क्यूब यहाँ पे चला जाएगा और 1 टोटल का टोटल इसमें क्यूब चला जाएगा। तो टोटल का टोटल 3 जो यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है उससे आपका ये चीज कट जाएगा और ये आपका 2 to the power 3 कैसे लिख जाएंगे, तो यहाँ पे 2 × 4 8, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचा, तो 4 बचा। और फिर वापस ये
पार्ट बच गया। अब ये पार्ट आपको देखने से पता चल रहा है क्या, ये टोटल का टोटल यही क्वेश्चन आ गया, जो आपका एक्स का वैल्यू था वही चीज आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे वापस आपको इनटू एक्स कर देना है। क्यों कर देना है, एक्स क्या था आपका स्टार्टिंग में, एक्स आपका ये था आपका एक्स, आपका टोटल यही चीज दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो चीज आपको इस तरीके से मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, इतना पार्ट आपको यही एक्स दिख रहा है, यही चीज है आपका, तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है x। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू एक्स 4x, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 एक्स टू दी पावर 6। आपको सर्ड्स के फॉर्मूला याद होने चाहिए, x इंटू क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये चीज आपको याद रखना है, ये ट्रिक है, सर्ड्स का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू दी पावर 6 और यहाँ पे एक x है, तो ये x अगर इधर आएगा क्या हो जाएगा x टू दी पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 8 इंटू 4। आप इसको सिंपली लिख दीजिए, दो के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 2 टू दी पावर 3 है इंटू 2 टू दी पावर 2 है, कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं, 8 को 2 टू दी पावर 3 और 4 को 2 टू दी पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और 2 जुट जाएगा तो ये 5 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए x टू दी पावर 5 है और 2 टू दी पावर 5 है, तो सर्ड्स का एक फॉर्मूला है, अगर पावर सेम है दोनों तरफ LHS और RHS में तो उसका बेस भी सेम होगा। तो यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे भी पावर 5 दिया हुआ है, तो इसका बेस जो भी होगा वो सेम होगा। तो x जो आपको लेफ्ट साइड में है वही आपका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, तो x इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाला था, आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, इसको फिर से देखिए अगर नहीं समझ में आया, बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड किया हो, ताकि आपको अगर फिर से इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको घबराहट ना हो, दिक्कत ना हो। तो आने वाले वीडियोस में आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मिलेंगे, तो जरूर चैनल के साथ बने रहिए लगातार, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारे स्टडी मटेरियल्स आप तक एग्जैक्टली टाइम पर पहुंचे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों तक, फैमिली मेंबर्स तक, और अंत में एग्जैक्टली के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।